डरा दिया चोरों की तरह आकर। चोर चोर भला घर में क्या करेंगे, आप भी ना कभी कभी बड़ा हंसाते। कभी कहती है रुलाते बहुत। वो तो है। सुनो जी, कभी कभार किचन में भाभी का हाथ बटा दिया करो, उनके मिजाज से तो वाकिफ हो ना तुम। अच्छी तरह। लेकिन पता है क्या है, वो आपसे भी बड़े डिक्टेटर हैं। ठहर तो सही। हाय अल्लाह, इतने सारे पैसे। अच्छा भैया, बिल्कुल ठीक वक्त पे आए आपको पता है। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी अगर आप प्लीज दुकान पे जाके ना कुछ फ्रूट उठा लें फ्रेश टाइप ना, और साथ में ना आप ऐसा करें आप बिल भी दे दीजिएगा। ओहो, लगता है आपके भाइयों ने भिजवाए। अल्लाह सलामत रखे भाईजान को, कभी पैसों की कमी नहीं होने देते, वरना तो आप जानते हैं मुराद के हाथ में आमदनी आती है और खुला खर्चा शुरू। अब ऐसा भी ना बोले भाभी, पिछले दिन वो होटलिंग करवाने ले गए थे, खूब खर्चा करवाया। पता है बहुत अरसे बाद मोहब्बत आई है। फोन ऊपर छोड़ा। आप ये चीजें जल्दी से ले आए, मैं फोन चेक करके देखिए। ये अब्बा मियां तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजती है मूवीज देखने के लिए। बंद करो इसको। आपको क्या लगता है मैं तजपिश को इम्तिहान देने वाली हूँ? मैं तो बस यहाँ पर आती हूँ ताकि दिल बहला सकूँ, अपना भी और अब्बा मियां का भी। सच, जब से मैं यहाँ पढ़ने आने लगी हूँ ना, अब्बा मियां मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। बात एक काम करो, इसको बंद करो, किताबें निकालो। थोड़ी सी मूवी रह गई है, देख के बंद कर दूंगी। तुम अब्बा मियां जैसे मुखलिस इंसान को यहाँ पे आके धोखा भी दे रही हो और मेरा टाइम अलग जाया कर रही हो, और मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। उठो। मेहरान भाई आप भी ना, सारा दिन उस घर में रह रहे कि मैं दम घुटने लगता है। किसी दूसरे इंसान से बात करने के लिए, किसी दूसरे की आवाज सुनने के लिए मैं तरस जाती हूँ। बामिया से तो बात करने ही फजूल है, कुछ कहते ही नहीं है। घड़ी भर के लिए यहाँ आ जाती हूँ, आपको भी नहीं अच्छा लगता। ये जो खाली दिमाग है ना तुम्हारा, शैताना घर है। ये किताबों से दिल लगाओ, सब शिकायतें दूर हो जाएंगी तुम्हारी। चलो बैठो, निकलो, और मुझे कल तुमसे समरी लिखी हुई चाहिए। कल यहीं बैठ के लिख के दूंगी आपको, अभी मूवी देख लो। नहीं, चलो चल। अयाज, ठीक है, ओके बाय। रुको,